नमस्कार, मैं शिव मैदो और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और सभी पार्टियों के नेता इस समय तैयारियों में लगे हुए हैं। क्या आपको पता है कि वह नेता कौन है जो बरेली से चुनाव लड़कर यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे? आज उन महान नेता के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन यह हम आपको बुलेटिन के आखिर में बताएंगे। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा विधायक पप्पू भड़तौल के सपा में शामिल होने की उड़ाई अफवाह, दो पर मुकदमा दर्ज। चुनाव का बिगुल बज चुका है, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर तमाम नेताओं के पाला बदलने को लेकर दावे भी किए जा रहे हैं। बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भड़तौल के सपा में शामिल होने की अफवाह भी उड़ा दी गई। भाजपा विधायक को इसकी जानकारी हुई तो वे नाराज हो उठे। विधायक ने बरादरी थाने में सन्नी चौहान और अक्षय परमार नाम के दो युवकों पर भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं कोरोना के 80 नए केस आए सामने और सक्रिय संक्रमितों की संख्या हुई 445। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI के 5 कर्मचारी समेत 80 लोगों की रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई है। नए केसों में तेजी से उछाल आने से प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। CMO डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि संक्रमितों को ट्रैक ट्रेस और ट्रीट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हैं। आपको बता दें कि जिले भर में 80 नए केस सामने आने के साथ अब सक्रिय संक्रमितों की तादाद 445 पर पहुंच गई है। कोरोना का खौफ, रोहिलखंड विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह टला। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय का 12 जनवरी को होने वाला दीक्षांत समारोह टल गया है। कोरोना के बढ़ते केसों के कारण यह फैसला किया गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि दीक्षांत समारोह की नई तिथि राजभवन के मंजूरी के बाद दोबारा घोषित की जाएगी। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KP सिंह भी पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। नगर निगम ने सरकारी कार्यालयों में किया सैनिटाइजेशन। कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बरेली में भी नए केस तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम अलर्ट हो गया है। उसने सरकारी कार्यालयों समेत सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू कर दिया है। नगर निगम कर्मी पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि रोजाना नगर निगम की गाड़ियां सरकारी दफ्तर व आवास पर जाकर सैनिटाइजेशन कर रही हैं, जिससे कोरोना संक्रमण की रोकथाम की जा सके। DM ने प्रशासनिक अधिकारियों के मुख्यालय छोड़ने पर लगाई रोक। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही DM मानवेंद्र सिंह ने बगैर अनुमति अधिकारियों के जिला मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। अफसरों के अवकाश पर भी पाबंदी लगाई गई है। अधिकारियों को हर वक्त अपना मोबाइल ऑन रखने की हिदायत भी दी गई है। मार्च में लखनऊ के लिए 72 सीटर फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद। बरेली से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट शुरू हो चुकी है। अब मार्च तक लखनऊ की उड़ान भी शुरू होने की उम्मीद है। RCS स्कीम के तहत 72 सीटर ATR विमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। फिलहाल फ्लाइट के शेड्यूल और किराए का मंथन चल रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो और STF की टीम ने 3 तस्कर किए गिरफ्तार, 5 किलो अफीम बरामद। आचार संहिता लगते ही सरकारी मशीनरी अलर्ट हो गई है। इस बीच केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और STF की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए टीम ने करीब 5 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद की है। आपको बता दें कि बरेली तस्करों का बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। यहां से उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक मादक पदार्थों की सप्लाई हो रही है। पहले भी केंद्रीय नारकोटिक्स की टीमें दबिश देकर कई बड़े तस्करों को पकड़ चुकी हैं, लेकिन तस्करी का नेटवर्क अभी भी कायम है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलिए अब बात करते हैं उस राजनीतिक हस्ती की जो बरेली से चुनाव जीतकर यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। जी हाँ, क्या आपको उनका नाम पता है? वो कौन थे? उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बरेली से की थी। उन्हें कांग्रेस ने देश के पहले विधानसभा चुनाव 1951 में बरेली शहर की सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। वह शहर की सीट से चुनाव लड़े थे और विजयी हुए थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को यूपी का पहला मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी। इस तरह यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने और वह अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव के रहने वाले थे।